we have to prove that greatest integer of x plus greatest integer of x plus half is equal to greatest integer of 2x. Now just square bracket that indicates greatest integer function GIF. So usually is type ke problems mein we have to think about the points at which x plus half and 2x becomes integer. तो ऐसे नंबरों को अगर हम सोचते हैं तो हम नंबर लाइन पे हमको ब्रेक करना पड़ेगा. जैसे कोई भी इंटीजर आई है उसके बाद कहीं ना कहीं एक आई प्लस हाफ आता होगा और फिर ऐसा कोई ना कोई वही इंटीजर प्लस वन एक नंबर आता होगा. तो हम ये मान सकते हैं कि अगर ये ट्रू है कोई भी आई से आई प्लस वन के लिए तो ये ऐसे सभी इंटीग्रल आई के लिए ये बात ट्रू होती होगी. उसको प्रूव करने के लिए पहला केस हम लेते हैं एक्स का इंटरवल आई से आई प्लस हाफ. एक्स को मैंने आई से आई प्लस हाफ ले लिया तो जी आई एफ एक्स क्या हो जाएगा, इट विल बी आई. अब अगर एक्स का ये इंटरवल है तो एक्स प्लस हाफ का इंटरवल क्या हो जाएगा, इट विल बी आई प्लस हाफ से आई प्लस वन. आई प्लस हाफ से आई प्लस वन भी किसी भी नंबर का जी आई एफ लेते हैं तो आई ही मिलेगा. तो इस तरीके से एल एच एस क्या मिल गया, एल एच एस मिल गया आई प्लस आई दैट इज टू आई. नाउ टू एक्स किस इंटरवल में लाई करेगा, टू एक्स विल लाई इन द इंटरवल टू आई से 2i प्लस 1. तो 2i से 2i प्लस 1 कोई सा भी आप नंबर का अगर GIF लेंगे तो ये क्या मिलेगा 2i एंड दैट इज इक्वल टू RHS. ये प्रूव करना था तो हमने ये प्रूव कर लिया. फॉर द इंटरवल जो पहला हमने जो भी कुछ लिया था i से i प्लस हाफ, अभी इन द सेकेंड केस हमें लेना है x को इन द इंटरवल i प्लस हाफ से i प्लस वन. इस इंटरवल में लेना है तो i प्लस हाफ से i प्लस हाफ से i प्लस वन. इस इंटरवल में हम अगर x को लेते हैं तो उसका जी आई एफ क्या मिलेगा, फिर से i मिलेगा. तो जी आई एफ x तो फिर से i मिलेगा. अब x प्लस हाफ का इंटरवल क्या होगा, x प्लस हाफ का इंटरवल हो जाएगा i प्लस वन से i प्लस थ्री बाई टू. सॉरी ये ओपन है, i प्लस वन से i प्लस थ्री बाई टू. तो इस केस में इसका जी आई एफ क्या हो जाएगा, इट विल बी i प्लस वन. और व्हाट इज देन एल एच एस, एल एच एस यहाँ पे तो आई मिला, यहाँ पे आई प्लस मिला वन प्लस आई प्लस वन मिला तो ये हो जाएगा टू आई प्लस वन. दिस इज एल एच एस. हम यहाँ पे जी आई एफ एक्स निकाल चुके हैं, जी आई एफ एक्स प्लस हाफ निकाल चुके हैं और एल एच एस टू आई प्लस वन आ चुका है. सो लेट अस सी द इंटरवल इन विच टू एक्स लाइज. तो एक्स का ये इंटरवल है तो टू एक्स विल लाई इन, इसका डबल कर देंगे तो ये लाई करेगा 2i प्लस 1 से 2i प्लस 2. 2i प्लस 1 से 2i प्लस 2 कोई भी नंबर 2x का GIF लेंगे तो क्या मिलेगा, 2i प्लस 1 मिलेगा विच इज इक्वल टू RHS. तो दिस शोज कि इस पहले केस में भी वो ट्रू है और दूसरे के लिए भी ट्रू है, हेंस प्रूव्ड. Solve for fractional part of x is x plus gif x. इसको हमको सॉल्व करना है तो हम इसके लिए जो gif x है इसको एज्यूम कर लेते हैं x minus fractional part of x. तो ये हो गया 4
fractional part of x is x plus x minus fractional part of x. ये हो गया 5 fractional part of x equals to 2x. फिर ये कहा जा सकता है fractional part of x is equal to 2/5x. So हमें y equal to fractional part of x y equal to 2x/5 इन दोनों का ग्राफ ड्रॉ करना है. जितनी बार कट करेंगे उतने सोल्यूशन होंगे, जहां जहां कट करेंगे उसके जो x कोऑर्डिनेट्स हैं वही सोल्यूशन हो जाएंगे. अभी हम इसका ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं. सो y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. ये हो गया y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. अभी हमको ग्राफ ड्रॉ करना है 2/5x का. तो y इक्वल टू 2/5x, ये वो स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से तो पास कर रही है, ओरिजिन के साथ साथ x इक्वल टू 5/2 पे 1 देती है. 5/2 का मतलब यहाँ 2 और 3 के बीच में 5/2 पे ये 1 होता है. इसका मतलब हो गया कि अगर मैं ओरिजिन को इससे जोड़ता हूँ, दैट इज ये जो लाइन है, दिस विल बी स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू 2x/5. अभी दोनों ग्राफ कितनी बार कट कर रहे हैं, एक बार तो जीरो पे ही कट कर रहे हैं, तो एक सोल्यूशन x इक्वल टू जीरो तो होगा ही. उसके अलावा ये यहाँ भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये जो भी पॉइंट है ये वाला, ये पॉइंट निकलेगा इस लाइन को इस लाइन के साथ सॉल्व करके. और ये जो स्ट्रेट लाइन है, अगर मैं इसको y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लिखता हूँ तो इट इज y इक्वल टू x माइनस 1. तो x माइनस 1 को इसके साथ सॉल्व कर लेंगे तो 2x/5 इज x माइनस 1. दिस इज x माइनस 2x/5, दिस इज 1 एंड 3x/5 1 हो गया. तो x का वैल्यू 5/3 आता है. तो दीज आर टू सॉल्यूशंस, 0 एंड x इक्वल टू 5/3. सॉल्व 1/GIFx प्लस 1/GIF2x इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1/3. इसको भी सॉल्व करना है. तो इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होते हैं, हमने कुछ केसेस पिछले वीडियोस में भी देखे हुए हैं. तो ऑलमोस्ट उसी तरीके से आगे बढ़ते हुए हम नंबर लाइन को ब्रेक करेंगे i i+2 और i+1 इस तरीके से. अब हम पहले एक तो i से i+2 में चेक करेंगे, उसके बाद i+2 से i+1 में इसके सॉल्यूशंस को हम चेक करेंगे. सो लेट्स टेक द फर्स्ट केस. x को अपन ने लिया i से i+2, ऐसा लिया. यहाँ पे जो gif(x) है ये तो i ही होगा. 2x का इंटरवल क्या हो जाएगा, 2i से 2i+1. इस केस में gif(2x) क्या मिलेगा, 2i मिलेगा. तो अगर हम इन चीजों को यहाँ यूज करते हैं, 1/i+1/2i = फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 1/3, इस तरीके से किया जा सकता है. अब ये हो गया 3/2i = फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 1/3. तो हम यहाँ पे y इक्वल टू 3/2 gif(x) का एंड y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1/3 का, इन दोनों का ग्राफ ड्रॉ करके वी कैन चेक आउट कि ये दोनों ग्राफ किन पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं व्हेन x इज समवेयर बिटवीन एनी इंटीजर टू i दैट इंटीजर प्लस हाफ. तो यहाँ पे जो पहला ग्राफ है y इक्वल टू 3/2 gif(x)
ये किस तरीके का होगा। सबसे पहली बात है, एक्स जीरो से वन के बीच में तो कुछ हो ही नहीं सकता है, ताकि जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, जी आई एफ एक्स है, दैट शुड नॉट बी एक्चुअली जीरो। तो ये किस तरीके का हो सकता है, इस ग्राफ को पहले ड्रॉ कर रहे हैं। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से। तो 0 से 1 में तो ये होगा नहीं। 1 से 2 के लिए जी आई एफ एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो वहां पे आपको 3/2 मिलेगा। इसका मतलब है यहाँ पे 3/2 मिलेगा। 2 से 3 तक जी आई एफ एक्स क्या होगा, 2 हो जाएगा, तो वहां पे क्या मिलेगा अपने को, 3/4 मिलेगा। ऐसा 3 से लेकर के 4 तक में क्या मिलेगा, 3 से लेकर के 4 तक में जो जी आई एफ एक्स है वो 3 हो जाएगा, और उस केस में आपको क्या मिलेगा, हाफ मिलेगा। हाफ मिलेगा। 4 से लेकर के 5 तक में क्या मिलेगा, 4 से लेकर के 5 तक में क्या मिलेगा, 4 से लेकर के 5 तक में एक्चुअली जी आई एफ एक्स 4 हो जाएगा, तो उस केस में आपको मिल जाएगा 3/8 कुछ तो भी ऐसा। ये जो पॉइंट है ये 3/8 हो जाएगा, जो कि स्टिल 3/9 से बड़ा है। 3/9 से बड़ा होने का मतलब क्या होता है कि 1/3 से बड़ा है, क्योंकि एक्चुअली हमें दूसरा ग्राफ जो ड्रॉ करना है वो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स प्लस 1/3। तो ये तो अपने को पता है कि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स प्लस 1/3 जो ग्राफ है, एक्चुअली जो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स है तो ये तो 0 से 1 वेरी करता है, तो ये ग्राफ भी एक्चुअली 1/3 से 1/3 + 1 तक वेरी करेगा। 1/3 से 4/3 के बीच में ही लाई करेगा। तो अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज ग्राफ्स, मतलब ये जो भी ग्राफ्स आ रहे हैं, ये वाला जी आई एफ जो हमने ड्रॉ किया है, ये इसमें से हम खाली उन ग्राफ्स में इंटरेस्टेड हैं जो सिर्फ 1/3 से 4/3 के बीच में लाई करते हैं। जो 4/3 है वो ऑफ कोर्स 3/2 के नीचे आएगा। तो इसमें कौन कौन सा ग्राफ हमारे काम का होगा, एक तो ये वाला काम का होगा 3/4, फिर एक बार ये हाफ भी होगा, फिर उसके बाद हाफ के बाद नीचे क्या है, 3/8, तो ये 3/8 भी हमारे काम का होगा। तो बेसिकली ये जो 3 ग्राफ हैं, इन्हीं को जो राइट साइड वाला ग्राफ है वो कट करने वाला है। तो हमको राइट साइड वाला जो ग्राफ है उसको भी ड्रॉ करना है, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स प्लस 1/3 को, मगर इसको हमको ड्रॉ करना है ओनली हम यहाँ 2 से 5 के बीच में हम इंटरेस्टेड हैं। तो ये कुछ ग्राफ इस तरीके का दिखेगा, इस तरीके का कुछ ग्राफ हो जाएगा जो 1/3 से 4/3 के बीच में होगा। ये 1/3 है, यहाँ पे ऐसा 4/3 है, 1/3 से 4/3 के बीच में होगा, और ये कुछ हम इस ग्राफ को 2 से 3 में ड्रॉ करना चाहते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, तो 2 से 3 ऐसा, 3, 2, 4, 4, 2, 5 इस तरीके का हो जाएगा। तो ये जो ग्राफ है 2 से 3 के बीच में, इट इज 3/4। तो 3/4, तो अपने को ये पता करना है कि ये 3/4, ये स्ट्रेट लाइन
ये स्ट्रेट लाइन कब हो रही है, दैट कुड बी वन ऑफ द आंसर्स। तो ये 3/4 कब हो रही है, तो बेसिकली ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन कौन सी है, ये वो स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप तो 1 है, मतलब y इक्वल टू x प्लस c टाइप की है, और वो जो लाइन है पास करती है 2, 1/3 से। तो एक्चुअली c है 1/3 माइनस 2 माइनस 5/3, सो द लाइन इज y इक्वल टू x माइनस 5/3। अपने को पता करना है इसमें y 3/4 कब होता है, तो ये x क्या मिलेगा, 5/3 प्लस 3/4, 29/12, दिस विल बी वन ऑफ द सॉल्यूशंस। ऐसे ही 3 से 4 के बीच में ये हाफ है, ये हाफ है, तो ये हाफ कहाँ होता है हमें पता करना है। तो अगर हम ये लाइन जो दूसरी वाली है 3 से 4 के बीच में, उसका स्लोप भी 1 है, इट इज ऑल्सो वाई इक्वल टू एक्स प्लस सी टाइप ऑफ लाइन, बट दिस लाइन इज पासिंग थ्रू 3, 1/3। तो ये कुछ ऐसा है, सी की वैल्यू -8/3 है, सो स्ट्रेट लाइन इज वाई इक्वल टू एक्स माइनस 8/3। अपने को पता करना है ये हाफ कब होता है, जब एक्स हाफ प्लस 8/3 होगा, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 16, 19/6। तो दिस इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। एट लास्ट 4 से 5 में हमें देखना है कि ये 3/8 कहाँ होता है। लास्ट लाइन पता करने के लिए फिर से y इक्वल टू x प्लस c, नाउ दैट इट इज पासिंग 4, 1/3, और यहाँ पे c का वैल्यू 1/3 माइनस 4 आता है, -11/3, ये c हो गया। तो y इक्वल टू x माइनस 11/3, x की वैल्यू यहाँ पे हमें देखनी है 3/8, y की वैल्यू 3/8 कब होती है, तो x will be 11/3 plus 3/8, it is 97/24। तो these are three solutions, 97/24, 19/6 and 29/12 जो पहले केस में आया था। सो एक्चुअली अभी हमने ये जो भी सॉल्यूशंस पता किए हैं तीनों, ये पहले केस के लिए पता किए हैं। पहले केस का मतलब क्या हो गया, हमने एक्स को लिया हुआ था आई से आई प्लस हाफ, तो ऐसे ही हमें देखना होगा कि आई प्लस हाफ से आई प्लस वन में क्या मिलता है। तो आई प्लस हाफ से आई प्लस वन में विल नॉट गेट एनी सॉल्यूशन, सो दीज विल बी दी ओनली 3 सॉल्यूशन। Suppose fx into f of 1/x is fx plus f of 1/x, ये given। हमको fx पता करना है। Suppose ऐसा कोई problem है कि आपको ये relation देने के बाद मैंने आप suppose आपको दे दिया कि मान लीजिए f of 4 65 है, और कुछ भी ऐसा f5 निकालना हो, मतलब बात ये है कुल मिला के कि f4 आपको दिया है, f5 आपको पता करना है, मतलब बात ये हुई कि आपको फंक्शन निकालना है। तो ऐसा कुछ चीज दिया तो फंक्शन कैसे निकाला जा सकता है, तो आप इस एफ को लेफ्ट साइड ले जाओ और एफ एक्स आप कॉमन ले लो। एफ ऑफ 1/x माइनस 1 इज एफ ऑफ 1/x हो जाएगा। अब माइनस 1 प्लस 1 दोनों में कर लेते हैं, अब ये कॉमन ले लेते हैं, तो एफ एक्स माइनस 1 इंटू एफ ऑफ 1/x माइनस 1, दैट इज 1। इसका मतलब ये हो गया कि ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी दोनों एक दूसरे की रेसिप्रोकल है, मतलब मैं यहाँ पे x की जगह 1/x कर देता हूँ, तो ये जो पूरा
ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, एक्स की जगह 1/x कर देने से। तो ये तो तभी पॉसिबल हो सकता है अगर f(x-1) कुछ ना कुछ प्लस माइनस एक्स की पावर एन टाइप का हो, क्योंकि अगर अगर ऐसा हुआ f(x-1) तो ही तो ये होगा कि एक्स की जगह हम अगर 1/x करते हैं तो ये उसका रेसिप्रोकल हो जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि f(x) को हम प्लस माइनस एक्स की पावर एन प्लस 1 ऐसा कुछ एज्यूम कर सकते हैं। बेसिकली एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जिसको याद रखना है कि कभी भी अगर ये रिलेशन हमें दिया जाता है तो ऐसे केसेस में ये सब चीजों को ना करके डायरेक्टली हम इसको एज्यूम करें और आगे बढ़ें। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है जिसको याद रखा जाता है। सो एक्चुअली हमें दिया था कि f4 65 है, तो 65 इक्वल टू प्लस माइनस 4 की पावर n प्लस 1, तो प्लस माइनस 4 की पावर n इज 64। तो इट इज क्वाइट क्लियर कि यहाँ माइनस n का कोई मतलब नहीं है और n की वैल्यू भी क्लियर है, इट विल बी 3। तो फंक्शन f हुआ x की पावर 3 प्लस 1, तो वी कैन गेट f ऑफ 5 एज वेल, विच कैन बी 5³ प्लस 1।